अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कौम सो रही है। मैं नहीं मानता कि कौम डर चुकी है। मैं नहीं मानता कि कौम घरों में बंद होकर बैठ गई है। मैं नहीं मानता कि कौम बेहिस हो गई है। मैं नहीं मानता कि कौम में गैरत ख़त्म हो गई है। मैं नहीं मानता कि कौम में गम और गुस्सा नहीं है। मैं नहीं मानता कि कौम अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। मैं नहीं मानता कि कौम में एक दूसरे का एहसास मर गया है। मैं नहीं मानता कि इस कौम का दिल एक साथ नहीं धड़कता। मैं नहीं मानता कि कौम में इत्तफाक और इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। मैं नहीं मानता कि कौम पाकिस्तान के लिए परेशान नहीं है। मैं नहीं मानता कि कौम अब भी अपने लीडर के पीछे नहीं खड़ी। मैं नहीं मानता कि वक्त पड़ने पर यह कौम अपना किरदार अदा नहीं करेगी। और मैं नहीं मानता कि इस कौम को दबा लिया गया। मैं नहीं मानता कि यह कौम अपने शहदा से बेवफाई करेगी। मैं नहीं मानता कि यह कौम अपने लीडर से बेवफाई करेगी और उसे कुछ होने देगी। और मैं नहीं मानता कि ये कौम अदालत के फ़ैसलों को मिनोइन तस्लीम करेगी। मैं नहीं मानता कि ये कौम डील का हिस्सा बनेगी। और आखिर में मैं नहीं मानता कि ये कौम नवाज़ शरीफ को अपना वज़ीर आज़म बनने देगी या उसे तस्लीम करेगी। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग क्या मानते हैं कमेंट्स में बताइए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर TikTok पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।